हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रमज़ान रिलेटेड कॉमन वर्ड्स जानने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वो भी करेक्ट प्रोनंसिएशन के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है मगफिरत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन यानी मगफिरत या मुक्ति। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दलील, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एविडेंस। एविडेंस यानी दलील। एंड ये वर्ड है दुआ मांगना, इसको कहते हैं प्रे। प्रे। एंड ये वर्ड है झुकना, तो इस वर्ड के इंग्लिश में दो मीनिंग है, बो और बेंड। इसके लिए इन दोनों ही वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और ये है कफन, जिसे इंग्लिश में श्रॉड कहते हैं। श्रॉड यानी कफन। और अगला वर्ड है शरीयत के कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ। और अगला वर्ड है मीनार, तो मीनार को कहा जाता है मैनरेट। मैनरेट यानी मीनार। अगला वर्ड है नया चांद, इसको कहती है क्रेसेंट। क्रेसेंट यानी नया चांद। अगला वर्ड है बैठक, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन यानी बैठक। एंड ये वर्ड है एतकाफ। एतकाफ को हम इंग्लिश में कहते हैं सक्लूशन। सक्लूशन यानी एतकाफ। अगला वर्ड है हश्र या हिसाब का दिन, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिकम्पेंस डे। रिकम्पेंस डे यानी हश्र या हिसाब का दिन। कब्र के अजाब को हम कहेंगे टॉर्मेंट ऑफ ग्रेव। टॉर्मेंट ऑफ ग्रेव यानी कब्र का अजाब। हमारा अगला वर्ड है अजाब। अजाब को कहेंगे कैलमिटी। कैलमिटी यानी अजाब। नेक्स्ट वर्ड इज तौबा करना, तो इसे हम कहेंगे रिपेंट। रिपेंट यानी तौबा करना। अगला वर्ड है खातिब, पे कहेंगे ऑरेटर। ऑरेटर यानी खातिब। हमारा अगला वर्ड है वही या इल्हाम, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रेवलेशन। रेवलेशन। अगला वर्ड है तहज्जुद की नमाज, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉक्टर्नल प्रेयर और विजिल प्रेयर। नॉक्टर्नल प्रेयर और विजिल प्रेयर। अगला वर्ड है नेमत यानी फेवर। फेवर। नेक्स्ट वर्ड है दुआ, इसको कहेंगे सप्लिकेशन। सप्लिकेशन यानी दुआ। नेक्स्ट वर्ड है रकात यानी यूनिट। यूनिट यानी रकात। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है खताती, जिसे हम हिंदी में सुलेख या हस्तलिपि भी कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अगला वर्ड है तबलीग जमात, तो इसे कहेंगे मिशनरी। मिशनरी। अगला वर्ड है जनाजा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्यूनरल। फ्यूनरल यानी जनाजा। और जनाजे की नमाज को कहेंगे फ्यूनरल प्रे। फ्यूनरल प्रे यानी जनाजे की नमाज। मुनकर, जिसे हम हिंदी में नास्तिक कहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे अथीस्ट। अथीस्ट यानी मुनकर या नास्तिक। ताज़ियत या हमदर्दी करना, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कंडोलेंस। कंडोलेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सजदा, सजदे को हम कहेंगे प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन यानी सजदा। और सजदा करने को कहेंगे प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट यानी सजदा करना। हमारा अगला वर्ड है दफनाना, तो दफनाना को हम कहेंगे बरी। बरी या इंटर। अगला वर्ड है परहेज करना, तो इसे कहेंगे अब्सटेन। अब्सटेन यानी परहेज करना। अगला वर्ड है इल्ज़ाम या आरोप, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्यूजेशन। एक्यूजेशन। फैसले का दिन, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे जजमेंट डे। जजमेंट डे। कयामत के दिन को हम कहेंगे डूम्सडे। डूम्सडे यानी कयामत का दिन। नेक्स्ट वर्ड है गुनाह, तो गुनाह को हम कहेंगे सिन। सिन यानी गुनाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारी रमज़ान स्पेशल